हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज हम फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। आज हम कुछ नीति वचन लेकर आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर पर को आशीष दे। तो चलिए हम देखते हैं, जैसा कि नीति वचन 23 अध्याय के 17 वचन में, तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो पापी लोग हैं हमें उनके विषय में डाह नहीं करना है, उनकी सी चाल में नहीं सीखना है, उनके मार्ग में नहीं जाना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानना है, भय के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। मेरे प्रियजनों, ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन 24 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। मेरे प्रियजनों, वचन साफ कर रहा है, बुरे लोगों के विषय में जो बुरे लोग हैं, गलत लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, हमें उनकी संगति के चाहने का डाह नहीं करना है कि सामने वाला बंदा पाप कर रहा है और मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मैं भी पाप करूंगा, तो मुझे डाह नहीं करना है। हमें डाह नहीं करना है मेरे प्रियजनों, ना हमें उसकी संगति की चाह रखना है। हमें उसकी संगत की अभिलाषा मन में नहीं रखना कि मैं उसकी संगति करूंगा, मैं उसकी सी चाल चलूंगा, मैं उसकी सी गंदी घनौनी चाल चलूंगा। हमें उसकी संगति की चाह नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 1 अध्याय के 1 वचन में, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य और पवित्र पिता ने कहा है उस पुरुष को, जो पुरुष हंसी ठट्ठा करने वालों की संगत में नहीं बैठता है, जो पापी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके साथ वो पुरुष नहीं बैठता है, उनसे अलग रहता है। तो प्रभु ने कहा है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, ना उनके मार्ग में पाँव धरता है, ना उनके मार्ग में जाता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मेरे प्रियजनों, साफ साफ कहता है हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियजनों 19 वचन में, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, बुरे लोगों के विषय में डाह ना कर, दुष्ट लोगों के विषय में डाह ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। वचन साफ कहता है, वचन साफ कहता है हमें कुकर्मियों के कारण, जो पापी जो कुकर्म के काम करते हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके विषय में हमें कुढ़ना नहीं है, हमें कुढ़ना नहीं है, हमें डाह नहीं करना है, उनके विषय डाह नहीं करना है, दुष्ट लोगों के विषय में डाह नहीं करना है। आगे लिखा, बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल नहीं मिलेगा, उनका दिया अंत अनंत काल के लिए बुझा दिया जाएगा, उनका दिया नर्क में बुझा दिया जाएगा, उनको नर्क में डाल दिया जाएगा। हमें पवित्र जीवन जीना है, वचनों के हिसाब किताब से चलना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वचन पर चलना है। पिता ने कहा है तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम निश्चय मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता ने कहा है मेरे प्रियजनों, चोरी न करना, झूठ न बोलना, गाली न देना, व्यभिचार न करना, तो किसी स्त्री का लालच न करना, पाप न करना, मूर्ति पूजा न करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी आज्ञाएं जो पिता ने अपने वचन में दिया है, हमें इस पर चलना है, हमें इस पर रात दिन ध्यान धरना है, हमें इन वचनों पर चलना है, ना कि पिता ने हमें कोई बोझ दिया है, ना पहाड़ दिया है। हमें पापियों के लोगों की डाह नहीं करना है कि मैं भी उसकी सी चाल चलूंगा, मैं भी पाप करूंगा, मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊंगा, मैं भी पाप करूंगा। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के लिए लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, हाथों पैरों में किले ठोके गए हैं, 39 कोड़े लगवाए गए हैं, सिर्फ हम सभी के खातिर, सिर्फ हम सभी के खातिर, जो सजा सही मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु पापा ने अपने ऊपर लिया, सिर्फ हम सभी मानव जाति के पाप के कारण। जो पाप का बोझ था, जो गुनाहों का बोझ था, जो बीमारियों का बोझ था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारा परमेश्वर, ये क्यों हमसे प्यार करता है,
हमसे प्रेम करता है, ओ यीशु आपसे प्यार करता है, पिता आपसे प्यार करते हैं। क्या आप पिता से प्यार करते हो मेरे प्रियजनों, प्यार करते हो? आज कोई ऐसा इंसान मनुष्य नहीं है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकता है। आज भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो, जरा सोच के देखो, आपके लिए कौन लहू बहाएगा, आपके लिए कौन कोड़े खाएगा, आपके लिए कौन मार खाएगा, आपके लिए कौन अपनी बेइज्जती सहेगा, आपके लिए कौन अपने मुँह पर थुकवाएगा, कोड़े खाएगा, जान देगा? कोई नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्र अर्थात यीशु मसीह पिता, जिसने हम सभी से प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। उसका प्रेम बहुत बड़ा है। योहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम पापी ही थे, व्यभिचारी ही थे, गुनहगार ही थे, तभी तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हम दोषी थे, पापी थे, हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, मगर पिता ने हम सभी को बचाया, उठाया, संभाला। प्रभु ने कहा, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो भी वह उठ खड़ा होगा। मेरे पिता आप हमको सभी को उठाने वाले परमेश्वर हैं। मेरे प्रियजनों, आइए हम रात के प्राणों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्राणों को आँख बंद करके सुनना। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की बड़ाई करते। मेरे परमेश्वर आप महान है, प्रभु आप जीवित है, आपकी करुणा सदा की अनंत काल के। मेरे परमेश्वर जो आपने यीशु पापा हम सभी को जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में हम सभी को छिपा के रखा मेरे परमेश्वर। इसके लिए पिता मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता। वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। यीशु राजा जो आपने हम सभी को नाम लेके बुलाया है, एक अनंत काल का जीवन दिया। आपने कहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे आग की पुतली की तरह प्रेम करता हूँ। क्या तू मुझसे प्यार करता है? मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है। तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। अय मेरे पुत्र, अय मेरी पुत्री, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या तू मेरे प्रेम को पसंद करता है? क्या तू मेरे प्रेम को मानता है? क्या तू मेरी आज्ञाओं को मानता है? मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो हमारे मसीह बहन पिता जो टूट चुके हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो यकीन है फुटपाथ पे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिता, अपनी गरीबी में जकड़े हैं, चिल्लाते हैं, उनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है पिता, मैं घोषणा करता हूँ आज की रात चंगाई की। मेरे परमेश्वर आप इनकी सुधि लीजिए, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी दूर हो जाए, दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई आस की किरण नज़र नहीं आ रहा, कोई आस का तारा नज़र नहीं आ रहा, आज इनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए। चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ, ये आज़ाद हो जाए, ये चंगे हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये आज़ाद हो जाए, ये चंगे हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी बीमारियां जाए, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, ट्यूमर जाए, पथरियां जाए, ये आजाद हो जाए। यू आर हील, यू आर ब्लेस्ड यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोना के बंधने, कराधरा के बंधने, जादुई शक्ति हैं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, मलिच्छिन की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, आज मैं डांटता हूं उन व्यभिचार वाली गंदी आत्माओं को, मैं डांटता हूं व्यभिचार वाली गंदी आत्माओं को, मैं डांटता हूं गंदी अंधकार की आत्माओं को, भाग जान के जीवनों से, भाग यीशु नासरी के नाम में। तेरे बंधन को मैं काटता हूँ, तेरे जड़ों को मैं जलाता हूँ, तेरे बंधनों को मैं जलाता हूँ यीशु नासरी के नाम में। आजाद हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी आजाद कीजिए, ये मसीह में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, रिहा हो जाए, रिहा हो जाए, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए।
यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर जो मस्ती में बराते में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भय लगता, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भय से न डरना। मेरे परमेश्वर आपने इन वचनों के द्वारा सभी सहायता की, मदद किया। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन आमीन।